आप सबका हिंदुस्तान की सरजमीं पर इस्तकबाल करता हूँ। आप में से ज्यादातर लोग बर्मा में हमारे से भगाए गए हैं। हम जल्द ही हिंदुस्तान की आबादी का आधा हिस्सा होंगे। तुम काफिरों को मारने से हमें जन्नत नसीब होती है। किसी को मार के जो जन्नत नसीब हो, तुम क्यों हो ऐसे जन्नत में? तुम हम आने वाले 5 से 10 सालों में ही इस्लाम का झंडा फिर से बुलंद करेंगे। पड़ोसी मुल्क में हिंदुओं की हालत बहुत अलग है। मुझे तुम्हारा धर्म कबूल है। आपका इस्लाम में इस्तकबाल है। क्या ये आपको कबूल है? कबूल है। मेरे साथ आए हुए लोग 2000 देकर इस देश के नागरिक बन चुके हैं। ये मदरसा था जहाँ पर आज ब्लास्ट हुआ है। लोगों से पूछने पर पता चला है कि यहाँ पर बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। सेंट्रल ने फोर्सेस भेजी है लेकिन हमने उनको डम करवा दिया। मैडम ने अपनी पुलिस लगवाई है सब जगह। लोग यहाँ देश के कोने कोने से नौकरी करने के लिए आते थे लेकिन आज यहाँ से लोग भाग रहे हैं। ये सब हिंदू बस्ती है। इनमें से किसी ने भी रूलिंग पार्टी को वोट नहीं दिया इसलिए इन्हें सजा दी जा रही है। बंगाल की जनता बदलाव चाहती है। बारी बारी देख कर लो। तो मैडम क्या हम अपने बंगाल ओबीसी रिजर्वेशन में अपने रोहिंग्या बांग्लादेशी मुस्लिम भाइयों को जगह दे सकते हैं? इस पर हम ने कॉमेडी बिठाया है। डिस्कोर्स हो रहा है। प्रति अतिक उसने मुझे धोखा दिया। मुझे दिल्ली जाना है मोदी जी से मिलने। हम अभी से निकाह पढ़ेंगे। क्या आपको कबूल है? गुनाह है।